Assalamualaikum viewers, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीजा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज आपके होस्ट मौजूद हैं बहावलपुर की एक मशहूर मारूफ अकेडमी में, और ये अकेडमी 1995 से बनी और अब तक यहाँ की बहुत फेमस एकेडमी रह चुकी है। और इस एकेडमी ने एजुकेशन के मामले में अपना इतना ज़बरदस्त रोल प्ले किया है कि यहाँ से बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बहुत बहुत टैलेंटेड लोग यहाँ से निकले हैं। तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ हम करेंगे बातचीत और देखेंगे कि वो कितने टैलेंटेड हैं। उनसे कुछ कॉमन सेंस के सवाल करेंगे, उनसे करेंगे मज़े मज़े की बातें। तो आइए चलते हैं, अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि देखा जाए यहाँ के स्टूडेंट्स में कितना टैलेंट है और कैसे हैं वो लोग। तो आइए चलते हैं, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक। ओके, तो गर्मी की सूरत हाल क्या है? मौसम तो काफ़ी अच्छा है, बारिशें हो रही हैं, लेकिन तब फसलों का काफ़ी नुकसान हो गया, वैसे तो मौसम बहुत अच्छा है। लेकिन आप इंजॉय कर रही हैं? जी, बहुत ज़्यादा। और पढ़ने में भी तब मज़ा आता है ना जब मौसम अच्छा हो। जी, स्कूल भी आने का तब भी दिल करता है, कॉलेज भी, वरना नहीं दिल करता। नहीं दिल करता। अच्छा, जब शदीद गर्मी होती है तब कॉलेज आने का दिल करता है? नहीं, तब तो वैसे छुट्टियाँ हो जाती हैं। हाँ, ये भी है, लेकिन एग्ज़ाम्स वगैरह भी चल रहे होते हैं ना, तो गर्मियों के एग्ज़ाम सबसे बुरे होते हैं। पसीना बहुत आ रहा होता है और अक्सर लाइट नहीं होती, फिर उससे एग्जाम्स भी ठीक नहीं होते, तो फिर एग्जैक्टली। अच्छा जी, नाम क्या है आपका? ईमान फातिमा। ईमान, आप क्या करती हैं? मैं पढ़ रही हूँ फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हैं? ओके, एग्जाम्स हो गए हैं या अभी होने हैं? होने हो गए हैं, प्री फर्स्ट ईयर में। ओके, अभी प्री फर्स्ट ईयर, यानी अभी तो बिल्कुल नई नई स्टार्टिंग है। ओके, तो स्कूल लेवल जो था वो ज़्यादा ईजी था या कॉलेज लेवल जो है ईजी है? अभी तो स्टार्ट है कॉलेज का, तो अभी तो बिल्कुल मतलब वैसा ही है जो हमने पहले पढ़ लिया, तो अभी तो ईजी लग रहा है, फिर आगे का पता नहीं, अल्लाह मालिक है। अच्छा, आगे का नहीं पता। तो कोई आइडिया है, सुना है कि कॉलेज लाइफ कैसी होती है? वैसे तो कहते हैं अगर इंजॉय करना है तो कॉलेज लाइफ होती है, लेकिन पढ़ने में मुश्किल सबसे ज़्यादा कॉलेज लाइफ है। कोई कहता है इंजॉय करना है तो स्कूल लाइफ में, कोई कहता है लेकिन इंजॉय जहाँ करना था मर्जी। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? अभी तो स्टार्ट है, अभी तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जब एक साल हो जाएगा तब पता चले क्या है। ओके, ठीक हो गया। सवाल कर रही हूँ आपसे कॉमन सेंस का और आप जवाब देंगी, ठीक है? क्या हुआ? कुछ नहीं, पूछे। पूछूं? ओके, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ लोग जीत की बजाय हमेशा हार मांगते हैं? पता नहीं। नहीं पता, थोड़ा सा सोचें। जीती जाए हमेशा हार, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। नहीं आइडिया? ओके, सुनाएंगे क्या आप? क्या टैलेंट है आपको, क्या लगता है आप में? बातें बहुत कर लेती हूँ। बातें बहुत करती हूँ, तो सबका दिल लगा के रखती हूँ जी। ओके, तो सबको, अच्छा जब अपना मूड खराब हो रहा, सबको तो हंसवाती रहती हो, सबको खुश रखती हो, जब अपना मूड खराब हो तब क्या करती हो? तब मतलब एक तो मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन मतलब मैं फिर भी कुछ नहीं करती, और मैं रोती भी हूँ तो चुप करके, किसी को नहीं पता चलता कि हाँ रो भी रही हूँ कि नहीं। अच्छा, तो अपनी फीलिंग्स अपने तक रखनी है। ओके, ठीक हो गया। ये साथ कौन है? ये मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है? बेस्ट फ्रेंड है। कितने अरसे से साथ हो? टू क्लास से साथ है। टू क्लास, अब यानी अब दस साल हो गए हैं? जी बिल्कुल। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मरियम। मरियम, मरियम आप क्या करती हैं? पढ़ती हूँ। आप भी पढ़ती हैं? जी। तो पढ़ती हैं, किस क्लास में पढ़ती हैं? प्री फर्स्ट ईयर। प्री फर्स्ट ईयर में, तो आपको कैसा लग रहा है ये स्कूल से कॉलेज वाला जंप? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है? जी। टफ तो नहीं लग रहा? नहीं, अभी तो स्टार्ट है। अच्छा, अभी स्टार्ट है। ओके, आप मुझे ये बताओगे ऐसी कौन सी जगह है जहाँ लोग जीत की बजाय हमेशा हार मांगते हैं? मुझे भी नहीं पता। आपको भी नहीं पता? ऐसे सोचो तो सही। आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे जो अच्छी क्वालिटी है वो कौन सी है? हम दोनों ही बहुत बोलते हैं। नहीं, वो तो आपका टैलेंट हो गया ना। आप मुझे बताओ आपकी क्वालिटीज में आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी लगती है? शार्प माइंड। शार्प माइंडेड हो, रियली? यस। फिर सवाल तो आपको आया नहीं। ओके, चलो सुनाओगी क्या हमें? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं।
चलो आपसे टंग ट्विस्टर करा रही हूँ, जो मैं बोलूँगी आप उसको 5 टाइम्स रिपीट करोगी, ठीक है? और आप बोलेंगी शी सीज चीज, चीज, शी सीज 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 चीज, स्पीड में बोलना, शी सीज चीज, शी चीज, शी सीज चीज, सी शी चीज, सी शी चीज, आपने सारा टंग ट्विस्टर उल्टा कर दिया है, मिक्स हो रहा है, शी सीज चीज, जो लाइक लास्ट ट्राई, शी सीज चीज, 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 जबरदस्त। ओके जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक, मैं ठीक। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? हदीका। हदीका, नाइस नेम। और आपका नाम क्या है? उमायमा फरूकी। उमायमा, और दोनों क्या करते हो, किस क्लास में पढ़ते हो? हमने अभी फर्स्ट ईयर में आए। ओके, प्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो। तो आपको कैसा लग रहा है स्कूल से? एकदम थोड़ी लाइफ चेंज नहीं हो जाती जब बंदा कॉलेज में आता है? इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, स्टडीज चेंज हो जाती हैं? जी, होता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और मेरे ख्याल से स्टडीज मुश्किल हो जाती हैं और थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन हो जाता है। तो जब हम एक स्कूल में 8 से 10 साल के लिए पढ़ रहे होते हैं, तो वो टीचर्स चेंज हो जाते हैं? टीचर चेंज हो जाती हैं, फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, पूरा नया माहौल होता है, तो काफ़ी थोड़ा। आपके फ्रेंड्स चेंज हुई हैं? जी, मेरे तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, मेरे सारे न्यू हैं, सारे न्यू हैं। ओहो, फिर कैसे गुजारती हैं टाइम? मैं गुजार लेती हूँ, मैं दोस्ती कर लेती हूँ सबके साथ। ये अच्छी बात है, दोस्ती कर लेती हैं सबके साथ। हाँ जी, सबके साथ। ज़बरदस्त। आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, आप में क्या टैलेंट है? मेरे अंदर टैलेंट तो इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं ड्राइंग वगैरह करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ। और एक टैलेंट मेरे ख्याल से मैं टंग जो है ना, एक टिक कर सकती हूँ। ज़बरदस्त। ये अच्छा, कुछ ये टंग रोल करने वाला भी होता है? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो ये आपने सीखा? कुछ लोग तो वीडियोज़ देख देख के, ट्रिक्स होती हैं कुछ आई गेस? नहीं नहीं, ये मुझे बचपन से आता था। बचपन से आता था? बचपन से ही तेज थी जो शरारती नहीं, शरारती नहीं थी, सही थी। आप शरारती हो? नहीं, अभी भी नहीं, लेकिन सही हूँ, बहुत बातें ज़्यादा करती हूँ लेकिन। अच्छा, घर में सबसे छोटी हो या बड़ी? मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी हो? सबसे बड़ी। ओके, तो छोटे बहन भाई क्या करते हैं? वो स्टडी करें, एक मेरी बहन 8th क्लास में, एक 4th क्लास में मेरा भाई है। ओके, सबसे छोटा भाई सबसे लाडला है? लाडली तो मैं ही हूँ, बड़े लाडले होते। अब बड़ों को एज कम्पेयर टू बाकी बच्चे ज़्यादा प्यार मिलता है, ऐसा होता है? हाँ, होता है, मेरे ख्याल से तो होता है थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि बड़े जो होते हैं वो पहले होते हैं, और वही लाडले भी होते हैं ज़्यादा। यहाँ तो सबसे छोटे वाला लाडला होता है या सबसे बड़े वाला होता है? हाँ, दरमियान वाली हो जाए। ओके, आई कैन फील द पेन। ऑब्वियसली मैं एक मिडिल चाइल्ड हूँ। ओके, आप मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे जीत की जगह हार मांगी जाती है? हार मांगी जाती है फूलों की दुकान से, हार मांगते हैं। अच्छा, कौन सा हार मांगते हैं? फूलों का हार। अच्छा, ये जवाब कहाँ से निकाला आपने? ये मैंने पता नहीं सुना था कहीं से। सुना था कहीं से? कहाँ से सुना? ऐसी कोई बच्ची बात करी थी। अच्छा, सुन लिया। चलो ठीक है, सुनाओगी क्या आप? सुना तो नहीं सकती। क्यों नहीं सुना सकती? बातें तो इतनी अच्छी कर लेती। बातें करती ना, तो गाना तो नहीं गा सकती। गाना नहीं गा सकती? कोई शेर सुना सकती हो कुछ? और नहीं नहीं, शेर नहीं। ओहो, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे कैसे टाइम गुजारती हो, क्योंकि आपके तो फ्रेंड्स भी नहीं है, तो कैसे इंजॉय कैसे करती हो फिर? यू नो, 6-7 घंटे गुजारने होते हैं, तो वो फिर बोरिंग नहीं हो सकते? हाँ, बोरिंग नहीं हो सकते। मैं जिसके साथ ही बैठती हूँ, उसके साथ बातें करती रहती हूँ, और सर का लेक्चर भी वो भी सुनना होता है, क्योंकि ज़्यादा कोई टाइम तो नहीं होता, तो सर आते जाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। तो खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में चाउमीन बहुत पसंद है। बना लेती हो खुद? नहीं, बनाती नहीं। बनाती क्या हो खुद? मैं खुद से चाय, नूडल्स, चाय, नूडल्स, अंडा। हाँ, अंडा, अंडा ब्रेड, चाय, नाश्ता वगैरह। और नाश्ता? नाश्ते में सिर्फ अंडा और ब्रेड आते हैं? मैं तो यही नाश्ता करती हूँ, तो मुझे तो यही नाश्ता लगता है। ओके, आप मुझे बताओ, आप भी प्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो? जी। अच्छा, आप मुझे बताओ आपकी क्या हॉबीज़ हैं? गार्डनिंग वगैरह जैसे होती है ना, कि प्लांट्स वगैरह जैसे, प्लांट्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मुझे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। प्लांट्स बहुत पसंद हैं? हाँ, प्लांट्स के पास बंदा बैठ जाए, ग्रीनरी में जाता है, तो बड़ा एक हैप्पी वाली फीलिंग होती है। जी बिल्कुल। अच्छा, प्लांट्स कौन से पसंद हैं आपको? फूलों वाले, जैसे वो मतलब वो प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, जैसे उस तरह के। अच्छा, तो खुद से कभी प्लांट्स लगाए हैं अपने घर में या कहीं पे भी? नहीं नहीं। अच्छा, चलो ठीक है।
ओके ज्यादा करके भी लगाने का मौका मिले तो लगाऊंगी या लगाए हैं? लगाए हैं, पहले भी लगाए हैं, आगे भी इंशाल्लाह फ्यूचर। कैसे लगाते हैं? वो मिट्टी खोद के उसमें प्लांट लगाते हैं तो लग जाता है। अच्छा जी, ठीक है। कौन सा प्लांट लगाया था याद है? मैंने लगाया था धनिया का, वो ना आज मैंने गमले में लगाया था वो इस तरीके से। ओके, तो आप हमें क्या सुनाओगी? जो आप सुनना चाहें। गाना? नाच सुना दो। सुना दें, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, और मुझे आप बताइए, कोई मैसेज शेयर करेंगी? मैसेज यही शेयर करना चाहूँगी कि हालात जैसे भी हों, अल्लाह ताला पर हमेशा यकीन रखें, और अल्लाह ताला पर अगर आपका यकीन है ना, तो कोई बड़े से बड़ा पहाड़ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला पर यकीन इतना गहरा होना चाहिए कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि रास्ता मेरा रब बनाएगा। बेशक ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा खान। और आपका? आयशा। लाइबा और आयशा, लाइबा आप मुझे बताइए कि आपका मैट्रिक का रिजल्ट आ गया? नहीं, अभी आएगा। अभी आएगा, तो क्या आपने क्या एक्सपेक्ट किया है, क्या रिजल्ट होगा? होप टू गेट 800+ मार्क्स। 800+ मार्क्स, ओके। पढ़ा था इतना? जी। चलो ज़बरदस्त। और आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह, मतलब पेपर तो अच्छे दिए थे और मार्क्स भी इंशाल्लाह आ जाएंगे 85% तक। 85%, ओके ओके। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ पेंटिंग करना है और स्पीचेस, प्रेजेंटेशन और स्किल्स सीखना मेरी हॉबी है। स्किल्स सीखना, ओके। तो क्या क्या अब तक सीखा है? कभी घर बैठ के आपने कुछ सीखने की कोशिश की है? जी की है, लेकिन नाकाम रही है। वो कुकिंग है उनमें से एक। कुकिंग सीखने की कोशिश नाकाम रही? जी। क्या सीखने की कोशिश की थी? मैंने मतलब कि जिस तरह के राइस बनाते हैं वगैरह वगैरह, तो मैं मुझसे नहीं बनते, लेकिन पहली चीज़ ऐसी क्या थी जो आपने बनाने की, खुद से पकाने की कोशिश की हो? चाय। चाय भी नहीं बनी? नहीं, चाय तो बन गई। ओके, और नाकाम किस में हुई थी, ऐसी कौन सी चीज़ है? नाकाम राइस बनाने में हुई थी। राइस मुझे भी थोड़े टफ लगते हैं ना, थोड़े मुश्किल हैं। जी। कुछ और कभी कोशिश की हो? जी, फास्ट फूड बनाना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू यू नो देसी खाना, बर्गर वगैरह, ये तो बहुत इजी है। तो एज़ कम्पेयर टू देसी खाना ये चीज़ें बनाने में थोड़ी ज़्यादा इजी होती हैं। ओके, आप मुझे बताएं कि क्या सुनाएंगी आप हमें? मैं आपको शेर सुना देती हूँ। एक शेर सुनाएं? चलें सुनाएं। पहले लगा वफ़ादार हैं आप, पहले लगा वफ़ादार हैं आप, बाद में पता चला अदाकार हैं आप। क्या बात है, कहाँ से सीख लिया है ये? ये हमारे कॉलेज की दीवार पे। अच्छा, कब से इस कॉलेज में आप पढ़ रही हो? हम लोगों को अभी एक ही मंथ हुआ है, क्योंकि हम प्री फर्स्ट ईयर के। जी। ओके ओके ओके, सवाल आपसे पूछूंगी, आपने जवाब देना है। ऐसी कौन सी जगह जहाँ हम जीत की बजाय हार मांगते हैं? आई थिंक ज्वेलरी शॉप। ज्वेलरी शॉप, मतलब हार मांगते हैं ना, तो इस तरह मुझे लगता है शायद ये हो सकता है। अच्छा, चलें ठीक हो गया। टंग ट्विस्टर अगर आ रही हूँ आपसे, जब मैं बोलूँगी आप उसको 5 दफ़ा रिपीट करेंगी और आपने बोलना है शी सीज चीज, शी सीज चीज, सी शीज चीज, सी शी सीज चीज, शी सीज चीज, सी सीज चीज, सी सीज चीज। नो, इट्स नॉट सी सीज चीज, इट्स लाइक शी सीज चीज, शी सीज चीज, शी सीज चीज, शी सीज चीज, शी सीज चीज। ओके, आप मुझे बताएं आपकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या करना पसंद है आपको? पहले तो मुझे ज़्यादा पढ़ाई पसंद है। अगर पढ़ाई से जब इंसान पढ़ जाता है कि बस अब रेस्ट कर लें, तब मुझे बस तन्हा रहना पसंद है, मतलब अकेले बैठ जाओ। क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? मतलब कि अब फ्यूचर के, मतलब अब जो टाइम है ना, ये बहुत टफ है, तो इस वजह से फ्यूचर के बारे में सोचना और अब आगे मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बारे में अकेला बैठ कर सोचना अच्छा लगता है। ओवर थिंक तो नहीं करती? नो नो, नहीं, सोचना तो यही होता है ना, जब इंसान एक चीज़ के बारे में लगातार कंटिन्यूसली सोचता रहता है तो वो फिर ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। नहीं, मतलब ऐसे भी नहीं होता कि एक ही चीज़ को सोचता रहता है, तरह की चीज़ें होते हैं, कभी दिमाग किस टाइप का होता है तो उस तरह के बारे में सोचते रहते हैं। अपना फ्यूचर प्लान करते हो? जी। क्या सोचा है, क्या क्या प्लान किया है, गोल्स क्या सेट किए हैं अपने लिए? मैम, पहले तो मैंने मेडिकल रखा है, तो सोच तो यही है कि आई वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर। ओके, अगर फर्स्ट इंशाल्लाह फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि MBBS करना। यस ऑफ कोर्स, एंड यही ख्वाहिश है कि डॉक्टर बनना है और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और अल्लाह ताला करम करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा एडमिशन।
ओके जी ठीक हो गया। टंग ट्विस्टर करेंगी आप, जो मैं बोल रही हूँ आप उसको 5 दफ़ा रिपीट करेंगी और आप बोलेंगी शी सीज चीज। ओके शी सील्स चीज, शी सील्स चीज, शी सील्स चीज, शी सील्स चीज, शी सील्स चीज। ओके जी थैंक यू सो मच, थैंक यू, व्यूअर्स और स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आऊँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ चुकी हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। अभी मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं अल्लाह का फजल बिल्कुल ठीक। सर अपना तारुफ बताइएगा। जी मेरा नाम सैयद शुएब अल्ताफ है और मैं लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में। कभी मेरा भी बड़ा ख्वाब होता था कि मैं लॉ करूँ, क्योंकि आई विल प्रेफर के लॉ इज़ द करेंटली बेस्ट 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 एवर डिग्री ना, जो अब हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से। तो आप क्या कहते हैं, आपको स्टूडेंट्स की तरफ से कैसा रुझान मिलता है देखने को, स्टूडेंट्स का किस तरह का आपको फीडबैक मिलता है जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं और जो एडमिशन के लिए आते हैं स्टूडेंट्स उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, आपने जिस तरह बताया कि लॉ का स्कोप जो है वो हमेशा रहा है, जिस तरह आपने सुना होगा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। एग्जैक्टली, तो लीगल एजुकेशन जो है वो मैं इस तरह से समझूंगा कि वो एक बेहतरीन एजुकेशन है, कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर मुमकिन नहीं है जब तक के रूल ऑफ लॉ ना हो, लोगों को लीगल एजुकेशन जो है वो अवेलेबल ना हो उनके लिए। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने भी लीगल एजुकेशन पर जो है वो भरपूर तवज्जो दी है। 2019 से पहले आपको ये जान के हैरत होगी कि 1975 के एक्ट के अंदर जो बेसिक 6 फैकल्टीज़ थी उनमें से एक फैकल्टी ऑफ लॉ थी। फैकल्टी ऑफ लॉ थी जी, फैकल्टी ऑफ लॉ थी, लेकिन 2019 से पहले ये एक डिपार्टमेंट था, फैकल्टी का दर्जा नहीं था इसके पास। तो जो रईस जामिया हैं इस वक्त डॉक्टर अतर महबूब साहब, जैसे ही उन्होंने चार्ज एज्यूम किया एज ए वाइस चांसलर, तो उन्होंने सबसे पहले जो फैकल्टी इस्टेब्लिश की वो फैकल्टी ऑफ लॉ थी। ओके ज़बरदस्त। तो सर इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियात होती हैं, आपके क्या इंटरेस्ट हैं और क्या हॉबीज़ हैं? यू नो एक ऐसी डिग्री के साथ मैं समझती हूँ कि बड़ी स्ट्रेसिंग सी फील्ड होती है आपको। मुझे जब मेरी जो सिचुएशन थी वो ये थी कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि यहाँ या तो MBBS, एक तरफ हम MBBS को रखते हैं और एक तरफ हम लॉ को रखते हैं, यानी दोनों जो हैं वो चैलेंजिंग डिग्रीज़ हैं दोनों। तो एक ऐसी स्ट्रेसफुल माहौल से निकलने के बाद और स्ट्रेसफुल चीज़ों के से निकलने के बाद क्या आपकी मसरूफियात होती हैं और किस तरह से अपने आप को रिलैक्स करते हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए एक तो आपको पता है कि वो कहते हैं कि आपका अगर माइंड जो बॉडी आपकी अगर हेल्दी होगी तो आपका माइंड भी हेल्दी होगा। तो एक्स्ट्रा टाइम जो है उसके लिए हम जो है मैं प्रेफर करता हूँ वॉक के लिए, और इसके अलावा बुक्स पढ़ना, क्रिटिकल थिंकिंग और केस स्टडीज़ को जो है वो पढ़ना, वो मेरा शगफ़ है कि मैं उसमें पढ़ता हूँ। और जिस तरह IUB की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर एक ब्लेंडेड मॉडल चल रहा है, यानी हम थ्योरेटिकल नॉलेज भी दे रहे हैं, प्रैक्टिकल भी साथ चल रहा है। वो भी आपको जान के खुशी होगी कि इस वक्त जो मेरा ख्याल है ये अपनी मिसाल पूरे पंजाब में आप होगी कि इस वक्त जो हमारा लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच का रिसर्च सेल है उसके साथ हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, हमारे बच्चे वहाँ जाके इंटर्नशिप करते हैं, जो 8 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं वो वहाँ इंटर्नशिप करते हैं और उनको डायरेक्ट लॉर्डशिप्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका। ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह। सर आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, क्या मुझे बताइए कि इंसान की जो याददाश्त है वो क्या चीज़ कमज़ोर कर देती है? देखें, इंसान की याददाश्त को कमज़ोर करने वाली जो मैं समझता हूँ वो उसका जो है ऑप्टिमिस्टिक ना होना, उसका पेसिमिस्टिक होना, यानी हमेशा पास्ट के अंदर लगे रहना, तो उससे फिर आपके अंदर वो जो होप है वो कम हो जाती है और उससे यकीनन आपकी याद। आप टेक्निकल सा जवाब आपने दिया है, मतलब हर चीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ के, लेकिन एक बड़ा कॉमन सा एक आम सा इसका जवाब है जिसको हम काउंट ही नहीं करते। वो मैं तो इसको इसी तरह से देखता हूँ कि आपके जहन पे जब तक अफसुर्दगी तारी रहेगी, आप चीज़ों को पॉजिटिवली नहीं देख रहे होंगे, तो यकीनन फिर वो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, वो आपको याद ही नहीं रहेंगी, आपको हमेशा वही याद रहेगा जो आपके पास नहीं है। थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स हमारे साथ एक और साहब मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका तारुफ बताइएगा। जी माय नेम इज़ डॉक्टर उमैर खुर्शीद फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ फार्मेसी। ओके, तो कितने सालों से आप यहाँ पे सर्व कर रहे हैं? मुझे अभी तकरीबन 1.5 ईयर हुआ है।
कितने सालों से? वन एंड हाफ ईयर हुआ. वन एंड हाफ ईयर यानी अभी स्टार्टिंग ऑफ जॉब है. ओके, तो आपने डिग्री कब कंप्लीट की अपनी? मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ था इन 2019 में. पीएचडी कंप्लीट हुआ था. तो फिर कैसे सोचा आपने कि अपनी फील्ड से आप इस तरफ निकल आए? यू नो, एक टीचिंग प्रोफेशन इज अ वेरी डिफरेंट फील्ड. आपकी अगर फील्ड से हम इसको लिंक करें तो कैसे सोचा आपने कि आपको टीचिंग की तरफ मूव कर देना चाहिए? स्टार्टिंग फ्रॉम माई करियर, मैंने इससे पहले एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट BVH में वर्क किया. तो एकेडमिक्स में जब आप PhD एनरोल होते हैं तो आप यू टेंड टू मीन्स यू हैव एन इफ़ यू हैव एन इंटरेस्ट इन टीचिंग तो तब भी आप एकेडमिक्स में अपना करियर प्रसू करते हैं. तो MPhil और PhD इसी उसके साथ किया था कि एक पैशन था टीचिंग का और टीचिंग के अंदर ही आना था. दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड. ओके, तो मैरिड हैं आप? यस, आई एम मैरिड. ओके, तो कैसे आप फिर मैनेज करते हैं फैमिली को और यू नो इस फील्ड को, इस काम को, यूनिवर्सिटी आना जाना और फिर फैमिली को टाइम देना? तो फैमिली बोर नहीं हो जाती कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, या उनको टाइम फिर किस तरह से देते हैं? मैनेज हो जाता है. यू हैव टू बी अ बेटर मैनेजर. तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? मैनेजेरियल स्किल्स जो होती हैं वो जस्ट एक MBA प्रोफेशनल की नहीं होती. वो एक नॉर्मली देखा जाए तो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर एक मैनेजेरियल स्किल्स होनी चाहिए कि वो अपने प्रोफेशनल लाइफ को और फैमिली लाइफ को दोनों को जो है वो साथ लेकर डिफरेंस रख सके. ओके, सवाल कर रही हूँ आपसे, मुझे जवाब दीजिएगा. सवाल ये है कि आप मुझे बताइए, ऐसी क्या चीज़ है जो इंसान की याददाश्त को कमज़ोर कर देती है? आई थिंक ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डनाइज होना, स्ट्रेस ज़्यादा होना, प्रोफेशनल स्ट्रेस ज़्यादा होना. मे बी अ रीज़न. या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है? नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं हो सकता. चलें ठीक है, कोई मैसेज शेयर करेंगे आप? मैसेज यही है कि हमारा, मैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी से बिलोंग करता हूँ, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी और फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज से. तो ये पिलर है हेल्थ प्रोफेशन का. तो फार्मेसी और इससे रिलेटेड जुड़े हुए जितने अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज हैं ये हमारी फैकल्टी में इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर में ऑफ़र किए जा रहे हैं. और इसमें बैचलर लेवल प्रोग्राम्स भी हैं, MPhil और PhD लेवल प्रोग्राम्स भी हैं. और हमारी जो फैकल्टी है वो वन ऑफ द बेस्ट हाईली क्वालिफाइड PhD फैकल्टी है. तो मैं इन्वाइट करूँगा अपने सारे स्टूडेंट्स को कि वो आएँ और हमें ज्वाइन करें. ओके, अच्छा ये आपकी जो डिग्री है, फील्ड है, इसको मैं ही टफ समझती हूँ या ओवरऑल टफ समझा जाता है? यस, इट्स क्वाइट टफ, बट कोई भी प्रोफेशनल डिग्री हो वो टफ होती है. तो प्रोफेशनल डिग्री का बेसिक है ही कि आपने एक बेटर प्रोफेशनल बनना है. तो उसके लिए कुछ ना कुछ टफ और कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं आपको वो बेयर करनी पड़ती हैं. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है. क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? क्या करते हैं जॉब से फ्री होने के बाद घर जाते हैं तो क्या करते हैं? घर जाके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चों के साथ खेल लेते हैं, उनके साथ कोई एक्टिविटीज़ होती हैं. साथ खेल भी लेते हैं? हाँ, खेल लेते हैं. बच्चे तो फिर बड़े खुश होते होंगे कि हम बड़े लकी हैं. हाँ, कोशिश करते हैं जितना टाइम मिल जाए उसमें जितना थोड़ा सा टाइम बच्चों के लिए भी निकलते हैं, इसलिए मैनेज कर सकें. ज़बरदस्त. सर आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि इंसान की याददाश्त को बहुत कमज़ोर कर देती है? ऐसा कौन सा अमल है? एक जो कॉन्टीन्यूस रूटीन है वो इंसान के जो जो याददाश्त है उस पर मेरे ख्याल बहुत अफेक्ट करती है. एक रूटीन में आप बहुत सारे काम जब कर रहे होते हैं तो आपके लिए जो दूसरे बहुत सारे मामलात हैं उनमें वो प्रोसेस, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है. और वो आप और ख़ासतौर पर जब रूटीन आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट हो और बहुत ज़्यादा काम करने को और हेक्टिक रूटीन हो तो वो काफ़ी इफेक्ट करता है मेरा ख्याल. ओके ठीक है. और आपकी हॉबीज़ क्या हैं, क्या करना आपको पसंद है? हॉबीज़ मेरा क्योंकि पढ़ाने से ताल्लुक़ है तो मुझे रिसर्च जो है वो बहुत एडमायर करती है. और नई नई चीज़ सीखना, करना और नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना, कुछ चीज़ सीख ली अगर स्टडी से रिलेटेड ही है हर चीज़. रिलेटेड अब डेफिनेटली. और नहीं होते आपके स्टडी से लिंक्ड हर चीज़? हाँ, लिंक भी है. और दूसरा साथ ये कि आई लव टू हैव प्लांट्स रखने का शौक़ है. अच्छा, ज़बरदस्त. तो कौन से प्लांट्स रखने का आपको शौक़ है? अभी रिसेंटली हमने घर में बच्चों के साथ एरोकेरिया
लेके गया था मैं, और वो हम लोग बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि प्लांटेशन करनी चाहिए, प्लांटिंग। या डेफिनेटली डेफिनेटली, और बच्चे सीखते भी हैं उससे, और अभी बच्चे के स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी हुआ, तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी उन्होंने डिफरेंट के लाइट रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं प्लांट्स, तो एक्सपेरिमेंटेशन उनकी होती है। ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो पहले हमारे दौर में तो बड़ा कम होता था इन चीज़ों पे, जब यू नो जब आप भी उस एज में होते होंगे तो इस तरह का नहीं इतना तवज्जो नहीं दी जाती थी प्रैक्टिकली चीज़ों पर, लेकिन आजकल के बच्चे इतने तेज़ हैं और उन पर इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है टीचर्स की तरफ से, क्योंकि प्रैक्टिकली हर चीज़ सिखाई जा रही है, एंड दैट इज़ रियली गुड फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर फ्यूचर, फॉर देयर फ्यूचर। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। और ये जो चीज़ शायद हमारी जनरेशन में लैक कर रही थी, बट अब की जनरेशन में पेरेंट्स भी इसमें बहुत एफर्ट कर रहे हैं, और उसका ज़्यादा क्रेडिट जाता है डेफिनेटली टीचर्स को। वो टीचर्स एक ऐसी चीज़ पुट इन करते हैं जिसको वो बच्चे सोचते हैं, और फिर घर में आके और उसके बारे में क्वेश्चन करना, उसको प्रैक्टिकली देखना करना, तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर, कोई मैसेज शेयर करेंगे आप? मैसेज ये है कि जस्ट डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन अल्लाह एंड ही विल डू गुड फॉर यू। बेस्ट थिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम सालिक है। आप क्या करते हैं? मैं फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लर्निंग में एसोसिएट लेक्चरर हूँ। एसोसिएट लेक्चरर हैं आप? नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग। जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर कैसे आप यहाँ पर, आपकी जॉब कब हुई, कितने साल हो गए आपको यहाँ पर सर्व करते हुए? यहाँ पे मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक लाहौर से है, और लाहौर से आप यहाँ एम फिल मैंने अपने, सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि लाहौर से मूव यहाँ पे कैसे किया आपने? लाहौर से बस मूव ऐसे किया कि पोस्ट आई यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की, एसोसिएट लेक्चरर्स की, तो उसमें अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद फिर इंटरव्यू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मराहिल खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बस होते चले गए। मैं और मेरी वाइफ दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह अप्लाई किया, और दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ माशाल्लाह दोनों का ही, वाइफ का भी हो गया जबरदस्त। तो फिर तो फैमिली भी यहीं पर आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। कितने साल हो गए आपकी शादी को? यहाँ पे हमें तकरीबन 4.5 साल हो गए, और 2020 में हम यहाँ पे आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह शादी के फौरन बाद यहाँ पे आ गए, 2019 में समझे यहाँ पे आए थे। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। ठीक है, तो आपकी वाइफ भी इसी फील्ड में है? नहीं, वाइफ है हमारी, मेरी वाइफ जो है वो मैनेजमेंट साइंसेज में होती हैं, वो वहाँ पे लेक्चरर हैं, और मैं यहाँ एसोसिएट लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज़ में। ओके ज़बरदस्त। ठीक है, तो किस तरह से फिर वाइफ की भी वही टाइमिंग्स हैं या आपकी टाइमिंग्स चेंज हैं, वाइफ की टाइमिंग्स चेंज हैं? जी हाँ, कभी कभार होता है ऐसा कि हम दोनों की टाइमिंग्स डिफरेंट होती है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि हम दोनों गिला नहीं करती हैं आपकी वाइफ आपसे? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं, कभी गिला नहीं करती हैं, हम मैनेज कर लेते हैं। अगर वो फ्री हो जाती है, मैं मसरूफ़ होता हूँ, तो वो खुद ब खुद कहीं से मैनेज करके किसी को कन्वेंस बुला लेती हैं, ऑटो रिक्शा बुला लेती हैं, उससे वो चली जाती हैं घर पर। सबसे अच्छी चीज़ एक रिलेशनशिप में यही होती है कि जब आप अंडरस्टैंडिंग के साथ, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चीज़ें इकट्ठी करके चलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपका लाइफ पार्टनर जो होता है वो आपके साथ बड़े कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना बस इस पर शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों का माशाल्लाह से एक हम एक स्मूथ लाइफ स्टैंडर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सवाल कर रही हूँ आपसे कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा अमल है जो इंसान की यादाश्त को कमज़ोर कर देता है? मैं समझता हूँ आजकल जो हमारी यूथ में जो एक तो रात को कम सोने का जो है मार्जिन, करीब करीब है अल्लाह ताला ने देखें, जैसे देखें कि रात सोने के लिए बनाई है और दिन जो है वो काम जागने के लिए बनाई है, लेकिन हमारे आजकल अब हाल ये हमारी यूथ का ट्रेंड को, और रात को काम करते हैं, रात भर बैठ के काम करते हैं और दिन भर सोते हैं, उसकी वजह से हमारी याददाश्त जो है वो एक वो कमज़ोर होती है। आपने ठीक कहा, लेकिन जवाब ये नहीं है। मिलता जुलता जवाब है, लेकिन जवाब ये नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, और लोगों से बातचीत करेंगे, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आऊँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ चुकी हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, मेरे साथ एक और स्टूडेंट्स, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। और कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र ठीक। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी माशाल्लाह। फिट एंड फाइन। हाँ जी ऐसे ही है। गर्मी का कोई असर? नहीं, पानी पी लेते हैं ठीक हो जाती है। क्या टिप्स शेयर करना चाहेंगे गर्मी से अवॉइड, गर्मी से बचने के लिए, गर्मी की जितनी भी बीमारियां हैं उनको अवॉइड करने के लिए? ये धूप में ना निकलें, और कूलर वगैरह में रहें, एसी के अंदर रहें, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं।
अच्छा लिक्विड इनटेक रखें जी ऐसे ही अमल है। कितना करते हैं खुद इन पे? पानी ज़्यादा पीता हूँ मैं, ये अमल करता हूँ। कितने ग्लास पीते हैं दिन में? कम से कम 8 to 10 glasses। 8 to 10 glass, ओके। तो यहाँ पे क्या डिग्री कर रहे हैं आप, कौन सा सेमेस्टर है आपका? BS इंग्लिश थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर है आपका, ओके। क्या आप क्या चाहते हैं कि इन फ्यूचर आप क्या करेंगे और क्या सोच के आपने ये डिग्री चूज़ की? CSS करने का इरादा है, या और ऑप्शंस ये हैं कि आर्मी में जाने का इरादा है या किसी अब्रॉड कंट्री। ओके, CSS और मे बी आर्मी और मे बी इन फॉरेन कंट्री। अच्छा, तो CSS किससे आपको किसको आपने आइडियलाइज किया कि आपने सोचा कि CSS मुझे करना चाहिए? मेरे कज़न जो हैं वो भी CSS के, उसने एग्ज़ाम क्लियर किए थे और अब उनका इंटरव्यू है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा क्लियर हो गया जी। ऐसे ही है और ऐसे ही है। ज़बरदस्त, ओके। तो आपसे एक सवाल करी, कॉमन सेंस का आपने जवाब देना है, और सवाल यह है कि एक हाथी अगर 1 घंटे में 10 किलो गोश्त खाता है तो 10 हाथी 1 घंटे में कितना गोश्त खाएंगे? अगर लिमिट 10 की है तो फिर तो 10 ही खाएंगे, लेकिन अगर कोई लिमिट नहीं है तो फिर 100 kg खाएंगे। कोई लिमिट नहीं है फिर 100 में भी 100 kg जी गोश्त खाएंगे जी। ऐसे ही है। गोश्त पूरा कैसे है? बस पूरा तो करना पड़ेगा, जाहिर सी बात करना पड़ेगा जी। चलें ठीक हो गया, लेकिन आपने गलत जवाब बताया है, सुनाएंगे क्या आप हमें? कुछ नहीं, बस वैसी मतलब मैसेज। क्या हॉबीज हैं आपकी? फुटबॉल खेलता हूँ। फुटबॉल प्लेयर कौन सा फेवरेट है? मेसी और नेमार। और रीज़न बताइए इन दोनों के फेवरेट होने की? ड्रिबलिंग अच्छी करते हैं और गोल ज़्यादा करते हैं, और सबसे अच्छी मतलब के पासिंग बहुत अच्छी है इनकी। ओके जी, टांग ट्विस्टर कराएंगे आपसे, जो मैं बोलूँगी आप उसको 5 दफ़ा रिपीट करेंगे, ठीक हो गया? जी ठीक है। और आप बोलेंगे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चलें जी, कोई बात नहीं, कोई मैसेज शेयर करोगे? बस खुश रहें और कुछ ना सोचें, दूसरे लोगों को सोचने दें और हर हाल में खुश रहें। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीम मलिक। अजीम मलिक, आप क्या करते हैं? मैं BSIR कर रहा हूँ इधर से। BSIR कौन सा सेमेस्टर? रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, कौन सा सेमेस्टर है आपका? 6th semester। 6th semester, यानी ऑलमोस्ट पास आउट होने वाले। यस। अच्छा जी, तो क्या स्कोप है इसका और इन फ्यूचर आप क्या करेंगे, कोई जॉब शॉप कर रहे हैं अभी भी? यस, इफ यू टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ IR, इट्स वेरी वास्ट। ठीक है, बहुत से लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है इससे रिलेटेड, बट IR के बाद आप एक ऐसे प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकते हैं जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, जैसा कि आप फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज हो गई, फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म हो गई, फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल राइटर हो गए, फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएटर हो गए। ये जितने भी पेइंग प्रोफेशन है, जितने भी ऐसे प्रोफेशन है जिनको AI भी रिप्लेस नहीं कर सकती, वो सारे प्रोफेशन IR से लिंक करते हैं। और IR एक ऐसी फील्ड है जिसको आप हर एक प्रोफेशन के साथ लिंक चैलेंज नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो क्या इंटरेस्ट क्या हैं आपके, हॉबीज़ क्या हैं आपकी, जब इन सारी चीज़ों से फ्री हो जाते हैं पढ़ाई से, यू नो गर्मी भी है, थ्रू अदर सम स्टफ, तो फिर फ्री होके क्या करते हैं? मैं बुक रीडिंग करता हूँ, आई एम ऑल्सो आर्टिकल राइटर। ठीक, आर्टिकल्स वगैरह लिखता हूँ, एनालिसिस लिखता हूँ और बुक रिव्यूज लिखता हूँ, प्लस आई एम ऑल्सो यूट्यूबर, तो मैं जबरदस्त जो है वो वीडियोस रिगार्डिंग। ये चीज़ आपने बहुत अच्छी की, मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि हमारी यंग जनरेशन को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि एटलीस्ट जहाँ से हम अर्न कर सकते हैं, चाहे वो घर बैठ के क्यों नहीं, चाहे वो बैठ के, यू नो थ्रू योर स्किल्स आप अर्न कर सकते हो फ्रॉम योर होम, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे कर सकते हो, तो उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बढ़ के ये मैं ये कहता हूँ कि आप जो भी फील्ड में हैं, जिस भी फील्ड में है, नो मैटर आप इंटरनेशनल रिलेशन में है, किसी भी फील्ड में है, आप उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करें। बिल्कुल, इफ आई एम द स्टूडेंट ऑफ IR, इफ आई एम रीडिंग द हिस्ट्री, इफ आई एम रीडिंग द इंटरनेशनल रिलेशंस, देन इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवेयर एवरीवन। ठीक है, मैं जो नॉलेज मेरे पास है मैं उसे कन्वे करूँगा तो मेरे पास हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सवाल कर रही हूँ आपसे, जवाब देंगे आप, मुझे बताइए एक हाथी अगर 1 घंटे में 10 किलो गोश्त खाता है तो 10 हाथी 1 घंटे में कितना गोश्त खाएंगे? 10 किलो। हाँ, 10 किलो। किलो की बात है, एक हाथी 1 किलो खा रहा है, ठीक है, तो 10 हाथी खाएंगे 1 किलो ही खाएंगे, 10 किलो खाएंगे 10 किलो खाएंगे
नहीं एक्चुअली मैं इस टाइप के मतलब कभी रिडल्स नहीं किए. ठीक है, कॉमन सेंस क्वेश्चन. आईआर से रिलेटेड पूछ लें. आईआर से रिलेटेड ही पूछूं? नहीं चलें जी, ठीक हो गया. कोई मैसेज शेयर करेंगे, कुछ सुनाएंगे हमें? मैं मैसेज जरूर शेयर करूंगा. बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि ड्यू टू, आप अब ये देखें कि पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, और इसके अंदर हम यूथ की भी, हम स्टूडेंट्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वह ये है कि हम हिस्ट्री को पढ़ें. ठीक है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करें, बिकॉज हमारी सोसाइटी के अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ हिस्टोरिकल, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लैरिटी, लैक ऑफ टॉलरेंस, ये तीन बहुत सारी चीज़ें हैं. ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी बहुत लैक कर रही है. तो ऐसा ही ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग जो है खुद भी इसके ऊपर वर्क करें और बाकियों को भी इस चीज़ के बारे में प्रीचिंग करें. और आईआर एक ऐसी फील्ड है जो आपका एक लेंस जो है हिस्ट्री को लेके और करंट पॉलिटिक्स को लेके वो एक बहुत वास्ट कर देती है और क्लियर. बिल्कुल ऐसा ही है. तो सुनाना कुछ नहीं है आपने हमें? सुनाना मैंने बस ये गाना नहीं सुनाना, बस मैंने वो कर दी. चले जी ठीक है, बहुत शुक्रिया. सो मच. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है जी. अल्हम्दुलिल्लाह. क्या नाम है आपका? अब्दुल हई. अब्दुल हई, आपके नाम का मतलब क्या है? ये अल्लाह ताला की सिफात में से नाम है, इसका मतलब है जिंदा रहने वाले का बंदा. जिंदा रहने वाले का बंदा. ओके, तो आप मुझे बताइए क्या करते हैं आप, इस यूनिवर्सिटी से कौन सी डिग्री कर? मैं बीएस इंग्लिश कर रहा हूँ. ओके, सवाल कॉमन सेंस का करूँगी, आप जवाब देंगे. एक हाथी अगर एक घंटे में 10 किलो गोश्त खाता है तो 10 हाथी एक घंटे में कितना गोश्त खाएंगे? 10 हाथी, एक हाथी 10 घंटे में 10 किलो गोश्त खा रहा है, और 10 हाथी खाएंगे 2-4 दिन लग जाएंगे उनको. 10 हाथी एक घंटे में कितना गोश्त खाएंगे? 10 हाथी. सवाल ही बदल दिया. अच्छा अच्छा, 10 हाथी खाएंगे 100 किलो. नहीं, कुछ सुनाएंगे? गाना सुना देता हूँ आपको. श्योर, सुनाइए. दिल दिल पाकिस्तान. ओके जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. लाफ़िज़. व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम. उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत इन्जॉय किया होगा आपने प्रोग्राम को. तो आज के प्रोग्राम में हमने सवाल शामिल किया था, बहुत इंटरेस्टिंग था, और सवाल ये था कि एक हाथी अगर एक घंटे में 10 किलो गोश्त खाता है तो 10 हाथी एक घंटे में कितना गोश्त खाएंगे. तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल था, और उम्मीद है आप लोगों ने भी इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की होगी. लेकिन द थिंग इज़, द आंसर इज़ कि हाथी तो गोश्त खाता ही नहीं है. तो जब वो गोश्त ही नहीं खाता तो इट डजंट मैटर कितने घंटे में कितना गोश्त खाता है, तो हाथी गोश्त नहीं खाता. अगली एपिसोड में मुलाकात होगी हमारी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों के साथ, नई बातों के साथ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.